Hello friends, we are back with English. We already had discussed one topic from English children, that was an astrologer's day. आज बच्चे लोग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर का नाम है ऑन सेइंग प्लीज. बच्चे लोग ना बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, जो भी अपना आइस ब्रेकर्स का सेक्शन रहेगा बच्चे लोग, या फिर वॉट एवर वी डिस्कस प्रायर टू द टॉपिक, विल जस्ट कीप इट फॉर द टाइम जब हम लोग फेस टू फेस मिलके बच्चे लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, तभी मैं आपको ये सब सॉल्व करा के दूंगा. फिलहाल हम लोग कुछ लेसन्स का समरी सुनते हैं, दैट यू विल बी वेल अक्वेंटेड विद द स्टोरीज, ताकि जब हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए बैठेंगे तो शायद आप लोगों को ये सब थोड़ा आसान जाएगा, क्योंकि हम लोग बच्चे लोग ये जो लॉकडाउन का टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, सो दैट आपको एट द एंड ऑफ द डे ऐसे नहीं लगेगा कि हमने कुछ टाइम वेस्ट किया. बच्चे लोग नाउ प्रोसीडिंग विद द स्टोरी दैट वी हैव हियर. दिस स्टोरी चिल्ड्रन, कभी हमने सोचा नहीं था कि बच्चे लोग प्लीज और थैंक यू ये कुछ कर्टसी वाले वर्ड्स होते हैं जो बच्चे लोग हम लोग को पोलाइटनेस सिखाए थे. अभी कभी मैंने भी इमेजिन नहीं किया था बच्चे लोग कि कोई प्लीज या फिर थैंक यू ऐसे वर्ड्स के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स का एक चैप्टर लिख सकते हैं, फिर वी कैन राइट एन एसे ऑन इट. लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे जो अपने राइटर है, राइटर का नाम है बच्चे लोग अल्फ्रेड गार्डनर. 1865 का बर्थ था उनका, ठीक है. बेसिकली चिल्ड्रन ही वॉज बॉर्न इन अ सिटी, सिटी का नाम है बच्चे लोग कैम्सफोर्ड, दैट इज इन इंग्लैंड का एक सिटी है. 1865 का उनका बर्थ था. बच्चे लोग बाय प्रोफेशन आई थिंक ही वॉज अ जर्नलिस्ट, तो मोस्टली लाइक 37 ईयर्स के एज में उनको अपॉइंट किया गया था एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है. अच्छा, मोस्टली लाइक इन्होंने जितने भी एसेज लिखे हैं, फिर बच्चे लोग इनके जो स्टोरीज है, दे विल बी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ग्रेसफुल चिल्ड्रन, और दे आर क्वाइट ह्यूमरस. ह्यूमरस मीन्स कि लाइक दे विल इवोक लाफ्टर, जो आपको थोड़ा हंसा के जाएंगे. इन्होंने जो बुक्स लिखे थे उसमें से बेसिक बुक्स आते कुछ पिलर्स ऑफ सोसाइटी करके, पेबल्स ऑन द शोर एंड मैनी फरोज लिव्स इन द विंड. अच्छा, दीज आर सम ऑफ हिज बेस्ट राइटिंग्स दैट वी कैन से. बच्चे लोग इनका जो एक यूनिकनेस है, यूनिकनेस मतलब क्या होता है बच्चे लोग, इनकी खासियत. अच्छा, क्या अनोखा रहता है इनके राइटिंग्स के बारे. सो चिल्ड्रन ही हैज द एबिलिटी टू टीच द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिंदगी की सच्चाई जो होती है, हाँ, बट इन अ वेरी इजी एंड इन अ वेरी फनी वे. थोड़ा सा हंसते खेलते आपको कुछ सिखा के जाते हैं जिंदगी के बारे में, और जो अपने जिंदगी का मॉरेलिटी रहता है बच्चों लोग, मॉरल्स जो अपने वैल्यूज होते हैं उनके बारे में ज़्यादातर. तो चिल्ड्रन आज ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज, यानी प्लीज कहने पे. ये बच्चों लोग है क्या, तो बेसिकली इट्स अ चैप्टर जो हम लोग को सिखा के जाएगा गुड मैनर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों लोग. इन फैक्ट आई वुड एक्चुअली से लाइक दिस कि कर्टसी, सौजन्य बोलते उसको, या फिर इट्स ऑल्सो रिफर टू एज पोलाइटनेस. हाँ, तो हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर ये दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हाँ, तो फिर एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज लाइक यू नो कि हमारा स्पीच, हमारी बातचीत बहुत पोलाइट हो जाएगी. हाँ, और हमारे आजू बाजू का जितना एटमोसफियर होता है बच्चे लोग, दैट बिकम्स वेरी स्वीट. हाँ, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बच्चे लोग लोगों की तरफ डिसकर्टसी दिखाते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, वी डोंट बिहेव नाइसली विद देम, या फिर गुड मैनर्स की जगह पे हम लोग रिप्लेस करते हैं उसको किसे, बैड मैनर्स के साथ, हाँ, तो ध्यान रखने का हमारे आजू बाजू का एटमोसफियर बच्चे लोग स्पॉइल होता है, पॉल्यूट होता है. सो दिस चैप्टर इन शॉर्ट चिल्ड्रन टेल्स यू द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलाइटनेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड द ट्रबल्स दैट कैन बी कॉज्ड बाय इल मैनर्स और द डिसकर्टसी दैट आई वुड से. बच्चे लोग स्टार्टिंग विद द स्टोरी और द एंटायर लेसन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि बच्चे लोग ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, तो यू माइट फील अ बिट लेंथन. तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस चैप्टर इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. तो दो अलग अलग सेक्शंस में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे. इन फैक्ट बच्चे लोग गार्डनर, अल्फ्रेड गार्डनर, इन्होंने इसको दो अलग अलग एनेक्डोट्स या फिर दो अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए कुछ पोलाइटनेस और कर्टसी को डिस्कस किया हुआ है. तो वॉट वी कैन डू इज चिल्ड्रन, वी जस्ट ब्रेक डाउन देम इनटू टू डिफरेंट लेक्चर्स. तो आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट वाले स्टोरी को एनालाइज करते हुए कुछ पोलाइटनेस के बारे में सीखने वाले बच्चे लोग. बच्चे लोग द स्टोरी इट्सेल्फ स्टार्ट्स विथ, जस्ट कैन यू जस्ट इमेजिन अ बिल्डिंग, उसके अंदर बच्चे लोग एक लिफ्ट,
लिफ्ट के अंदर था एक लिफ्ट मैन। अच्छा, अभी लिफ्ट में एक पैसेंजर ने एंट्री किया एंड देन ही सेड कि लाइक टॉप। अभी देयर वाज ओनली वन वर्ड दैट ही सेड चिल्ड्रन। क्या बोला था पैसेंजर ने? टॉप। किसको बोला है? लिफ्ट मैन को। ठीक है। अच्छा, अभी लिफ्ट मैन का एक डिमांड था। क्या डिमांड है बच्चों? उसने पैसेंजर को बोला कि टॉप प्लीज बोलने का। अच्छा, लेकिन फिर वो पैसेंजर ने शायद वो बोलने से इनकार कर दिया। अभी जैसे पैसेंजर ने से बोलने से डिक्लाइन किया था उसको, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सेड कि लाइक नहीं टॉप। तो द लिफ्ट मैन ही फेल्ट इंसल्टेड बिकॉज ही वॉज डूइंग सम सर्विस और उसको लगता था कि उसको उसका कम से कम एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो जो पैसेंजर था ना बच्चों, ही हर्ल्ड, हर्ल्ड इज टू थ्रो द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, उसको बाहर फेंक दिया। अच्छा, अभी आपको पता है बच्चों, इस एक्ट के लिए जो लिफ्ट मैन था उसको कानूनी तौर पे पनिशमेंट मिल सकता, क्योंकि आप सबको पता है बच्चों कि हम लोगों को कोर्टियस होना चाहिए, लेकिन अगर आप डिसकोर्टियस होते हो, मतलब आप रिस्पेक्ट से बात नहीं करते हो, तो इट इज़ नॉट एनी लीगल ऑफेंस। बच्चों आप प्लीज़ नहीं बोलोगे, कोई आपके ऊपर केस कर सकता है? नहीं। और अगर किसी ने आपको प्लीज़ नहीं बोला है बच्चों, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि आप किसी को असॉल्ट करोगे। असॉल्ट एंड बैटरी लाइक एग्जाम्पल टू फिजिकली असॉल्ट समवन, किसी के ऊपर अटैक करना। बच्चों लोग इसी एग्जाम्पल को और थोड़ा कंसोलिडेट करने के लिए हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों लोग? एक आध बर्गलर है बच्चों लोग, इज़ अ बर्गलर, चोर, ये आपके घर में घुस के आ गया है, ठीक है, और आपने उसको पकड़ के वहाँ पे धोया अच्छे से, यू नॉक्ड हिम डाउन। हाँ, तो आपको पता है बच्चों लोग इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? कानून बच्चों लोग आपको दोषी ठहराएगा, द लॉ इज गोइंग टू अक्विट यू। हाँ, लेकिन वहीं पे बच्चों लोग अगर वो चोर आपके घर के अंदर आके उसने अगर आपको फिजिकली असॉल्ट किया रहता था, फिजिकली असॉल्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चों? फिजिकली उसने आपको डैमेज, मतलब मारा आपको, हाँ, तो फिर आपको कानून परमिशन देता है बच्चों कि आप रिटेलिएट कर सकते हो सेल्फ डिफेंस के लिए, और इसमें जो वायलेंस इन्वॉल्व होगा बच्चों उसको कानून मानता है कि ये रीजनेबल था। नाउ रीजनेबल का मतलब क्या होता है? दैट इज जस्टिफाइड। अभी कौन सी चीज जस्टिफाइड है और नहीं है, यही हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करें बच्चों। अच्छा, पैसेंजर ने प्लीज नहीं बोला तो लिफ्ट मैन ने क्या किया? उसको लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। एक्शन किसके ऊपर होगा बच्चों? लिफ्ट मैन के ऊपर। अच्छा, घर के अंदर चोर घुस के आ गया, आपने उसको पकड़ पकड़ के मारा, एक्शन किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर। रीजन इज क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन, क्योंकि डिसकर्टेसी को कानून है ना बच्चों प्रोटेक्ट नहीं करता, इन द सेंस की लाइक इट इज नॉट एंडोर्स्ड इनटू इट, वी कैन से। चिल्ड्रन, इफ द बर्गलर और द थीफ ओनली एंटर्स इनटू योर हाउस एंड इफ यू अटैक हिम, द लॉ विल पनिश यू। लेकिन बच्चों, इफ द बर्गलर और द थीफ ये आपके घर के अंदर घुस के आपको अटैक करता है और आपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, तो बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि लॉ आपको प्रोटेक्शन देगा और उसको पनिशमेंट करेगा। रीजन बहुत सिंपल है बच्चों लोग, क्योंकि ये जो बर्गलर है इसने क्या किया है? ही हैज ब्रोकन सम डेफिनेट लॉ या फिर कमांड ऑफ द लॉ, मतलब इसने कानून तोड़ा पहले, तो आपने खुद के बचाव में इसके ऊपर अटैक किया है। चिल्ड्रन, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे कि क्या हम लोग कोई लेजिस्लेट करना, मतलब क्या होता है बच्चों? कानून बनाना होता है अगेंस्ट बैड मैनर्स, बस आपकी आदतें खराब है इसीलिए बच्चों कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। हाँ, या फिर ऐसे भी नहीं हो सकता बच्चों कि लाइक बस किसी ने बैड मैनर्स किए या फिर गलत तरीके से बिहेव किया इसीलिए आपने वायलेंस में इन्वॉल्व हो गए थे। हाँ, तो ध्यान रखने का कि दैट इज लाइक जनरली बैड मैनर्स आर नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। बच्चों सिर्फ कोई ठीक तरीके से बर्ताव नहीं करा है, किसी ने आपको प्लीज नहीं बोला या फिर किसी ने आपको थैंक यू नहीं बोला, और इसके लिए अगर आप किसके ऊपर असॉल्ट करते हो बच्चों लोग, तो ध्यान रखने का, देन दैट विल बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस। अभी ये जो लिफ्ट मैन वाला स्टोरी हमने बात किया ना बच्चों लोग, द स्टोरी अबाउट द लिफ्ट मैन, जहाँ पे आपको पता है कुछ लोगों को लगता रहेगा कि हाँ लिफ्ट मैन के बाद सच सही हो गया, इट वॉज प्रॉपर। अच्छा, दूसरा
देर आर सम पीपल हु माइट फील, चलो आपने एक वर्ड सुना हुआ है सिंपति, किसके लिए सिंपति आएगा आपके मन में? लिफ्ट मैन, आप बोलोगे ना चलो बेचारा दिन भर वहां पे खड़े रह के काम करता है, सब लोगों को ऊपर पहुंचाता नीचे पहुंचाता है, हाँ तो आपको लगता रहेगा कि एक थैंक यू या फिर एक प्लीज ये तो उसका हक है। हाँ लेकिन ध्यान रखना आपको बच्चों लोग, जस्ट क्योंकि कोई आपके साथ पोलाइट नहीं है, कोई आपको प्लीज नहीं बोल रहा है, या फिर हो सकता है कि लाइक आपको किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर किसी का बात करने का तरीका जो है टोन ऑफ देयर वॉइस, वो हाई टोन में बात कर रहा है बच्चों लोग यहाँ पे, या फिर कोई अपने चेहरे पे स्काउल मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक रूडनेस दिखाता है, तो आप यू कैन नॉट बॉक्स पीपल्स ईयर्स। बच्चों यहाँ पे एक फ्रेज दिया है, टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स इज लाइक यू नो टू पनिश या फिर टू असॉल्ट समवन। किसी ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, किसी ने ऊंचे आवाज में बात की, किसी ने आपको देख के चेहरा बनाया या फिर फेसेस बना दिए, तो आप लोगों को पकड़ पकड़ के धो नहीं सकते बच्चों लोग। और आप इमेजिन करना बच्चों लोग, अगर मैं दिन में 50-100 लोगों को मिलता हूँ, उसमें से आधे लोगों का तो चेहरा पता है आपको, दुखी आत्मा की तरह होता है, उनका मूड अच्छा नहीं होता है, तो आपको देख के फेसेस बना सकते हैं या फिर ऊंचे आवाज में बात करते हैं। अभी मैं 50-100 लोगों को मारते हुए घूमूंगा बच्चों लोग तो क्या होगा पता है? फिर मेरे हाथों को कभी आराम नहीं मिलेगा, माई फीस्ट हाथ उंगलियों को दे विल नेवर बी आइडल। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, हमारे शहर के जितने भी गटर्स हैं ना वो सब खून से लथपथ भरे हुए रहेंगे अगर हम लोग हर उस इंसान को मारने की कोशिश करेंगे जो इम्पोलाइट या फिर हम लोगों को डिसकर्टेसी दिखाएगा। बच्चों इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इट एक्चुअली सेज दैट कि मैं जितना चाहिए उतना अनसिविलाइज बिहेव कर सकता हूँ, मैं जितना चाहिए उतना बैड मैनर्ड हूँ, लेकिन फिर भी एक बॉडीगार्ड मेरे बाजू में हमेशा खड़ा रहेगा। और ये बॉडीगार्ड कौन होता है बच्चों? लॉ, कानून, ये मुझे प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि बच्चों क्योंकि मैं बैड मैनर्ड हूँ इसीलिए कोई मेरे को असॉल्ट नहीं कर सकता, नो वन कैन असॉल्ट मी, नो वन कैन रिटेलिएट टू मी जस्ट बिकॉज आई एम बैड मैनर्ड। सिंपल से वर्ड्स में बच्चों लोग यहाँ पे राइटर ने हाउ ही हैज मेंशन दिस कि आई कैन बी अनसिविल एज आई मे प्लीज, मतलब जितना चाहे उतना मैं अनसिविलाइज हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी लॉ बच्चों लोग मुझे क्या देने वाला है? प्रोटेक्ट करेगा कि मेरे ऊपर कोई वायलेंस या फिर रिटेलिएट नहीं कर सकता। या फिर चिल्ड्रन यहाँ पे एक वर्ड मेंशन दे, हॉटी। हॉटी इज लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चों लोग घमंड करना, रूड रहना, या फिर एग्जाम्पल के लिए यू कैन बी वेरी बुरिश। बुरिश इज लाइक फॉर एग्जाम्पल अगेन जहाँ पे आप तेवर दिखाते हो, आप बहुत हॉटी हो, आप प्राउड हो, आप बुरिश बिहेव कर रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चों आपको कोई कीमत चुकानी नहीं है, यू डोंट हैव टू पे एनी पेनल्टी फॉर दिस। बस आपको एक ही पेनल्टी पे करनी है बच्चों कि लोग आपको क्या बुलाएंगे कि हाँ ये इल मैनर्ड है, मतलब थोड़ा सा भी पोलाइट नहीं है करके। अच्छा और एक बात होती है बच्चों कि कोई कानून है ना मेरे को प्लीज बोलने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता, या फिर धीमी आवाज में प्यार से बात करने के लिए कि आप बाकी के लोगों के सेंसिबिलिटीज को हर्ट ना करो, इस बात के लिए कोई मेरे को जबरदस्ती नहीं कर सकता चिल्ड्रन। इनफैक्ट बच्चों लोग इतना तक होता है कि ये लॉ मेरे को ये भी नहीं बोल सकता बच्चों लोग कि तुम अपने मुस्टैच को वैक्स नहीं करोगे या फिर तुम अपना हेयर डाई नहीं करने का, सफ़ेद होता है तो सफ़ेद ही रखने, स्टाइल मारने की जरूरत नहीं, या फिर यू कैन नॉट वेयर दोज रिंगलेट्स। रिंगलेट्स बच्चों लोग कर्ली हेयर, मतलब बालों को कर्ली नहीं कर सकते हो। या फिर चिल्ड्रन एट द सेम टाइम ये सब चीज़ों के लिए देर कैन बी नो लैसरेशन। लैसरेशन चिल्ड्रन होता है क्रिटिसाइज, इन द सेंस कि लाइक चिल्ड्रन कि मेरे को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है सब चीज़ों के लिए। हाँ एंड सी चिल्ड्रन एट द सेम टाइम हमारे जो मॉरली हम लोग को जो डैमेज फील होता है बच्चों लोग, या फिर इंटेलेक्चुअल डैमेज जो फील होते हैं उसके लिए कोई अलाउंस नहीं होता है बच्चों लोग। मैं एक टीचर हूँ, अभी हम लोग जब क्लासरूम में एंट्री करते थोड़ा सा एक दिल से लगता है कि बच्चों लोग खड़े रह के गुड मॉर्निंग बोल दें, लेकिन आजकल आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट बच्चों लोग, क्योंकि अभी कॉलेजेस में कैसे बच्चों लोग इट्स लाइक कंपलसरी, मतलब टीचर लोग देखते रहते कि वह पीछे कौन खड़ा नहीं हुआ है उसको बकरा बना सकते हो लोग। लेकिन क्लासेस में बच्चों लोग अभी सपोज कि फॉर एग्जांपल आई एंटर द क्लास, मुझे लगा था कि बच्चों लोग विश करें, तो बच्चों लोग ने खड़े रह के विश नहीं किया बच्चों लोग, तो ये मेरा मॉरल या फिर एक इंटेलेक्चुअल डैमेज फील किया मैंने, साइकोलॉजिकली इट कैन बी डिस्टर्बिंग कि अरे बच्चों लोगों को पढ़ा था मेरे लोग मतलब विश भी नहीं कर। हाँ लेकिन चिल्ड्रन देर इज नो अलाउंस फॉर दिस मॉरल डैमेज, ये जो आपको साइकोलॉजिकल नुकसान फील हो रहा है ना,
हाँ तो ध्यान रखने का, इसके लिए कोई डैमेजेस नहीं दिए जाते हम लोग को। हाँ लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना बच्चों लोग कि ये जो साइकोलॉजिकल डैमेजेस है इसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। सी दिस डैमेजेस आर नॉट नेग्लिजिबल। बच्चों लोग कभी कभी आपको पता है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिफ्ट मैन, वेरी स्पेसिफिकली चिल्ड्रन इफ यू टॉक, लिफ्ट मैन दो चीज़ों को फेस कर सकता था। क्या? कि अ स्लर, स्लर इज अ इंसल्ट दैट इज फीलिंग। क्यों? क्योंकि जो पैसेंजर था उसने उसको क्या नहीं बोला बच्चों लोग, प्लीज नहीं बोला। हाँ तो ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों लोग उसका सोशल स्टैंडिंग था, उसको सर्विस दे रहा था, फिर भी उसने उसको थैंक यू नहीं बोला, तो इसीलिए ही फेल्ट इंसल्टेड। या फिर ऐसे भी हो सकता था बच्चों लोग कि इट वॉज अ अज्यूम्ड इंसल्ट, इंसल्टिंग, उसने डायरेक्टली इंसल्ट नहीं किया है, बस उसने प्लीज नहीं बोला तो वो इंसल्टिंग फील करा। या फिर ही कुड बी किक्ड ऑन द शिन्स, किक्ड ऑन द शिन्स बच्चों लोग एक फ्रेज आता है जो आपको फिजिकली या फिर मेंटली, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल इंसल्ट, फिजिकली असॉल्ट करने की बात हो सकती है। अभी फिजिकली असॉल्ट करना और बच्चों लोग और इंसल्टिंग फील कराना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती है। हाँ लेकिन बात क्या होगी बच्चों लोग यहाँ पे कि अगर समवन किक्स यू ऑन द शिन तो उसके लिए आपको लीगल रिड्रेस मिलेगा, मतलब आप केस कर सकते हो बच्चों लोग। लेकिन जस्ट किसी ने आपको प्लीज नहीं बोला है तो बच्चों लोग उसके लिए आप थोड़ा ना केस कर सकते हो। लेकिन कैन यू जस्ट एनालाइज द चिल्ड्रन कि अगर आपने किसी, आपको किसी ने किक किया है तो उसका जो दर्द महसूस होता है ना बच्चों लोग, तो वो हमेशा के लिए रहेगा? नो, इट पासेस अवे। लेकिन अगर किसी ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया बच्चों लोग, आपका वैनिटी, आपका प्राइड, आपका गर्व जो रहता है बच्चों लोग, उसको अगर कोई हर्ट करता है तो वो जो जहर रहता है ना बच्चों लोग, दैट पॉइजन, वो पूरा दिन भर या फिर कई दिनों तक आपके मन में हो सकता है। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन आई वुड से लाइक दिस कि द लिफ्ट मैन, ओके द लिफ्ट मैन, उसने क्या किया था बच्चों लोग, वो जो पैसेंजर था ना उसको लिफ्ट में से बाहर निकाल दिया था उसको, मतलब ठीक है। हाँ लेकिन लॉ उसको रिलीफ नहीं देगा, लॉ कैन टेक एन एक्शन बिकॉज इम्पोलाइट होके उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको लिफ्ट में से बाहर फेंक के द लिफ्ट मैन इज एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, ठीक है। सो ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैनॉट कीप ऑन ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, टू फील सैड फॉर समथिंग, किसी लिए हम लोग बुरा मान लेते हैं ना बच्चों लोग कि वहाँ पे उसने इंसल्टिंग फील किया था। हाँ लेकिन बच्चों लोग यहाँ पे एक बात आप बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो, क्या कि ये लिफ्ट मैन जो है ना बच्चों लोग, जिसके साथ में इंसल्टिंग बिहेवियर हुआ है, ये बच्चों लोग पूरा दिन भर है ना, ही विल स्टार्ट टेकिंग टेंशन, देन ही इज नॉट इन अ गुड मूड, फिर बच्चों लोग शाम को ना घर पे जाएगा एंड देन ही इज इन अ वेरी बैड टेम्पर्ड एंड इज इन अ वेरी बैड मूड। तो घर पे जाने के बाद उसका अपने बीवी के साथ में बच्चों लोग जो बिहेवियर होगा, मतलब वो अपनी बीवी को मिलते ही उसके साथ में रूडली बिहेव करके जितना भी उसके साथ में रूड बिहेवियर होगा उसका इक्विलिब्रियम हासिल कर लेता, मतलब क्या कि हिसाब बराबर, कि किसी ने उसके साथ रूड बिहेव किया तो घर पे जाके उसने अपने वाइफ के साथ में उसका हिसाब चुकता कर दिया था। हाँ लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग चिल्ड्रन कि ये जो बैड टेम्पर होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक गेटिंग एंग्री, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन जस्ट सी दिस टू वर्ड चिल्ड्रन, एक है बैड टेम्पर, एक दिया हुआ है बैड मैनर्स। लेकिन आपको पता है बच्चों लोग कुछ चीज़ें होती है जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है, देर आर सम थिंग्स विच आर मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। बच्चों ये सब चीज़ें ना एक व्यक्ति से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती रहती है। जस्ट टू लाइक एक फिक्टिशियस कैरेक्टर बच्चों, काल्पनिक स्टोरी का कैरेक्टर है सर एंथनी एब्सोल्यूट करके नाम था इनका, उन्होंने एक व्यक्ति को उल्लू बनाया था, बुलेट होम कैप्टन एब्सोल्यूट जो उसके अंडर में था। अभी कैप्टन एब्सोल्यूट क्या जाता है, क्या करता है, मतलब उसका उसके नीचे जो आदमी काम करता था फैग वेरापॉन, उसको उल्लू बनाया। अभी फैग वेरापॉन जो था वो क्या करता है, नीचे जाता है और उसका जो नौकर रहता है ना बच्चों लोग द पेज बॉय, वो जाके उसको उल्लू बना लेता। मतलब क्या बच्चों लोग कि किसी ने मेरे ऊपर गुस्सा किया, मैंने किसी के ऊपर गुस्सा किया, वो जाके किसी और के ऊपर गुस्सा करता है बच्चों लोग, एंड दिस थिंग्स द साइकिल विल बी कैरिड ऑन एंड इट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग चिल्ड्रन। सो सपोज लाइक इफ यू जस्ट गो टू एनालाइज द स्टोरी अबाउट द लिफ्ट मैन, बच्चों लोग द एनालिसिस एक्चुअली सेज दैट कि वो जो पैसेंजर था ना बच्चों लोग, पैसेंजर लिफ्ट में आने के बाद उसने सिर्फ क्या बोला, टॉप, क्या नहीं बोला, टॉप प्लीज नहीं बोला। ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों लोग कि वो जो पैसेंजर था वो सुबह ऑफिस गया था और उसका जो बॉस था ना एम्प्लॉयर, उसके गुड मॉर्निंग का उसने जवाब नहीं दिया था,
इसीलिए अच्छे मूड में नहीं था। अभी सवाल आता है कि उसके बॉस ने उसके गुड मॉर्निंग का जवाब क्यों नहीं दिया था, तो हो सकता है कि सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ही वॉज हैंडपैक्ड इज लाइक एग्जाम्पल कि एक ऐसा हस्बैंड बच्चे लोग जो बीवी का गुलाम रहता है, जो हमेशा उसकी सब बात मानता है। हाँ, लेकिन उसकी बीवी ने उससे ठीक से बात नहीं की थी, उसको इरिटेट किया था, तो उसने अपना गुस्सा इसको गुड मॉर्निंग नहीं बोल के निकाला। अभी सवाल आता है कि उसकी वाइफ ने वो अनप्लेजेंट बिहेवियर क्यों थी, तो क्योंकि उसके घर की जो कुक है ना, चलो खाना बनाने वाले, शी हैड बीन इंसोलेंट। इंसोलेंट इज लाइक एग्जाम्पल अगेन रूड बिहेवियर वी कैन से, तो उसने वाइफ के साथ रूडली बिहेव किया था। अभी कुक ने रूडली बिहेव क्यों करा, क्योंकि घर पे जो काम वाले भाई थे ना बच्चे लोग, हाउस मेड, उसने कुक को क्या किया था बच्चे लोग, बैक आंसर किया था। तो बच्चे लोग, यू जस्ट सॉ द साइकिल चिल्ड्रन, कि हाउस मेड ने किसको, कुक को बैक आंसर किया था। कुक हैड बीन इनसोलेंट टू वाइफ, वाइफ डिड नॉट बिहेव प्रॉपरली विद दैट एम्प्लॉयर, बॉस, बॉस ने फिर अपना जो कैरेक्टर है ना पैसेंजर, उसके गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया था। इसे इरिटेट होके वहाँ पे उसने जाके लिफ्ट मैन को क्या नहीं बोला था बच्चे लोग, प्लीज़ नहीं बोला था, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। और बच्चे लोग, इनके लाइफ में जितने भी लोग आएंगे ना, ये सब चीज़ों को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो सपोज कि हमारे पास जितने भी अपने इल ह्यूमर्स होते हैं बच्चे लोग, बैड मैनर्स, हाँ, तो इससे हम लोग पूरी दुनिया को इन्फेक्शन दे सकते हैं बच्चे लोग। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई वुड एक्चुअली से लाइक दिस कि बच्चे लोग, अपने पूरे साल भर में, अपने कैलेंडर में जितने क्राइम्स कंडक्ट होते हैं, उससे जितना नुकसान होता है ना बच्चे लोग, उससे भी ज़्यादा नुकसान कौन करा के जाएंगे, बैड मैनर्स। बच्चे लोग, आपने कभी सोचा भी था कि बैड मैनर्स इतना नुकसान करा सकते हैं जितने कि क्रिमिनल्स नहीं कराते। जैसे कि बच्चे लोग, यहाँ पे ऐसे हो सकता है बच्चे लोग, देयर इज वन वाइफ, एक वाइफ है, बीवी है एक, किसकी है पता नहीं, अच्छा, नाउ शी गेट्स अ ब्लैक आई। ब्लैक आई होता है बच्चे लोग के लिए कभी, मतलब मारने की वजह से आईज के नीचे जब काला दाग वगैरह पकड़ते हैं उसको हम लोग, तो कैच अ ब्लैक, टू गेट अ ब्लैक आई, मतलब उसको मारा है उसके हस्बैंड ने, इट्स कुड बी लाइक अ फिजिकल असॉल्ट, ठीक है। वो हस्बैंड जनरली मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन एक आध बार कभी हुआ है उससे, गुड नेचर्ड हस्बैंड, हाँ, तो उसको बच्चे लोग मतलब जो फील होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे लोग, हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो शहीद होते हैं, मार्टर मतलब होता है बच्चे लोग शहीद, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ मोरोज टेम्पर। मोरोज टेम्पर चिल्ड्रन, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हेन पीपल आर अनहैप्पी, और जब वो लोग अपना गुस्सा किसी के ऊपर दिखाते हैं, तो उनकी वजह से बाकी लोगों को जो इफेक्ट होता है बच्चे लोग, उससे हज़ारों लोग दिन भर में शिकार होते रहते हैं। हाँ, बट वन थिंग चिल्ड्रन, कि हम लोग प्राइवेट लाइफ में मैं कैसे बिहेव करता हूँ बच्चे लोग, कि प्राइवेट लाइफ में मेरे मैनर्स कैसे है, उसके लिए कोई कानून आपको गार्ड करने के लिए नहीं आएगा, देयर इज नो गार्डन ऑफ लॉ, इन फैक्ट वो किसी को है कि उसके लिए कोई कानून होता ही नहीं है बच्चे लोग। एंड हियर चिल्ड्रन, देयर कुड बी नो डेकालॉग, कैन यू जस्ट सी वन हाइलाइटेड वर्ड चिल्ड्रन, हियर डेकालॉग करके लिखा हुआ है। डेकालॉग ये वर्ड का मतलब होता है बच्चे लोग, क्रिश्चियन लोगों में उनके कुछ रूल्स होते हैं, इस्लामिक लोगों में उनके कैसे रूल्स होते हैं, 5 रूल्स होते हैं, हिंदू लोगों के कुछ 4 रूल्स आते हैं बच्चे लोग, वैसे क्रिश्चियन लोगों के 10 कमांडमेंट्स होते हैं, मतलब यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू दोज लॉ, या फिर बच्चे लोग कोई कोर्ट, हाँ, ये सब चीज़ों को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता है कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है, आपका पर्सनल बिहेवियर कैसे होता है बच्चे लोग, इन द सेंस कि लाइक आपके सोशल सिविलिटीज़ कैसे, आप बात कैसे करते हो, आपके आईब्रोज कैसे झुके हुए हैं यहाँ पे, या फिर कोई आपको ये भी नहीं बता सकता है कि बच्चे लोग आपका मूड ऐसा क्यों है, या फिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। बच्चे लोग, ये सब लोगों के लिए, ये सब चीज़ों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई एडमिनिस्टर नहीं कर सकता ये सब चीज़ों को। इन फैक्ट कि लाइक दिस थिंग्स आर डन वॉलंटरली, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन हैव इट। बच्चे लोग, जहाँ तक ये लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लिफ्ट मैन, अभी लिफ्ट मैन के साथ में क्या हुआ था, उसने पैसेंजर को बाहर फेंक दिया, कानून उसको पनिश करेगा, किसको, लिफ्ट मैन को। तो देर आर सम पीपल, एक दो टाइप के लोग होते बच्चे लोग, देर आर सम पीपल जो कोर्ट के वर्डिक मतलब कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको एंडोर्स करेंगे, एंडोर्स मतलब सपोर्ट करेंगे, हाँ लिफ्ट मैन ने गलत किया। वो कौन होता है, उसका तो काम है ना ऊपर पहुंचाने का, तो प्लीज़ बोले या फिर नहीं बोले, ही हैड टू डू हिज ड्यूटी। तो कुछ लोग कोर्ट के फैसले को क्या करेंगे, एंडोर्स करेंगे, मतलब जो लिफ्ट मैन के खिलाफ हुआ था वो सही था। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते बच्चे लोग, जिन लोगों को क्या फील होगा इस लिफ्ट मैन के ऊपर, सिंपथी, अगेन वही दैट पुअर चाप इज वर्किंग द डे एंड नाइट, और उसको एक प्लीज़ तो बोल ही सकते हैं ना हम लोग। हाँ, लेकिन फिर आपको, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया बच्चे लोग, देर इज नो लॉ दैट कैन कंपेल, कंपेल ए वर्ड का मतलब होता है बच्चे लोग फोर्स करना, क्या बोलने के लिए, प्लीज़ बोलने के लिए।
हाँ, लेकिन ध्यान रखने का बच्चों, भले ही कोई कानून नहीं होगा जो आपको जबरदस्ती करेगा क्या बोलने के लिए, प्लीज। हाँ, लेकिन यू जस्ट रिमेंबर चिल्ड्रन, कानून से भी एक बड़ी चीज़ होती है बच्चों लोग, अपना सोशल प्रैक्टिस, अपने सामाजिक जो प्रैक्टिसेस होते हैं, और कुछ प्रैक्टिस इतने ओल्ड होते हैं बच्चों लोग, एंड दे आर वेरी सेक्रेट। सेक्रेट मतलब पवित्र माना जाता है इनको, क्या कि दे आर मोर सेक्रेट देन एनी लॉ विच एंजॉइंस टू बी सिविल। मतलब भले कानून आपको ये नहीं बोलता रहेगा कि आपको सिविलाइज होना है, लेकिन इतने सालों से हमने अपने समाज से एक बहुत ही पवित्र एक चीज़ सीखी हुई है बच्चों लोग, कि हम लोगों को सौजन्य दिखाना है, हम लोगों को पोलाइटली रहना है बच्चों लोग यहाँ पे, ठीक है। एंड सी वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, कि हम लोगों को सिविलिटी मतलब सिविलाइज रहना, वहाँ पे हम लोग को एक बात तो सिखाई जाती है कि अगर हम लोग को कोई सर्विस मिल रहा है, अगर कोई हमारा कोई काम कर रहा है, तो कम से कम उसको हम लोग एक्नोलेज तो कर सकते हैं। कैसे एक्नोलेज करने का बच्चों लोग, वेरी सिंपल चिल्ड्रन, प्लीज। मतलब दो ही बार मुंह हिलता है आपका, तीन बार भी नहीं, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल टच योर लिप्स प्लीज करके बोल दोगे तो, या फिर देर आर टू वर्ड्स दैट कैन अटच चिल्ड्रन, दैट इज थैंक यू। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद कानून में उनके लिए कोई जगह नहीं है बच्चों लोग, लेकिन अपने समाज में इन लोगों के लिए बहुत वैल्यू दिया जाता है। और एक तरीका होता है बच्चों लोग, इट्स अ स्मॉल चेंज दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट बाय पेइंग समथिंग। मतलब हम लोग क्या करें बच्चों लोग, अपने समाज की तरफ अपना जो जिम्मेदारी रहते हैं ना वो निभाते, कि समाज हमारे लिए कुछ करा तो उनको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं बच्चों लोग, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, जैसे कि हम लोग अगर एक आध मशीन चलाते हैं, मशीन को बीच बीच में ऑयल डाल के उसको सर्विसिंग करना पड़ता है, तो मशीन का लाइफ बहुत अच्छा रहता है और स्मूथली रन करता है। सिमिलरली चिल्ड्रन, अगर हम लोग अपने ज़िंदगी में ये जो दो वर्ड्स है, कौन सा, थैंक यू और प्लीज़, इनका ऑयलिंग करते रहेंगे, तो ध्यान रखने का आपकी ज़िंदगी का मशीन थोड़ा स्वीटली चलता रहेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ किया गया है, इंटरकोर्स, कुड हैव अ डिफरेंट मीनिंग, यहाँ पे मतलब होता है बच्चों बातचीत, कॉन्वर्सेशन। तो अपने ज़िंदगी का जो कॉन्वर्सेशन होता है बच्चों, तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी बच्चों, थैंक यू की वजह से, प्लीज़ की वजह से, लोग आपके साथ कॉपरेट करेंगे, बहुत आसान हो जाता है बच्चों लोग चीज़ों का आदान प्रदान करना, टू गिव एंड टेक। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, जब अपने बॉसेस होते हैं ना, जिनको हम लोग सुपीरियर्स बोलते हैं, और जो नौकर होते हैं उनको इन्फीरियर्स होते हैं, तो बॉसेस है ना, देर डिक्टेट, हुकुम चलाते हैं बच्चों लोग। तो हुकुम चलाने से बहुत सारी चीज़ें हासिल नहीं होती है, कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन आप प्लीज़ बोल के देखना, फटाक से कोई आपके साथ कोऑपरेट करेगा। अच्छा, आपको कोई कुछ चीज़ चाहिए, आपने पहले उसको थैंक यू बोला या फिर प्लीज़ बोला, वो वापस से आपको वो चीज़ दे सकते हैं बच्चों लोग। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन हियर, कि इट वुड बी अ वेरी वल्गर माइंड, वल्गर इज लाइक एग्जाम्पल इन अप्रोप्रिएट आई वुड से, ठीक है। यू विश टू कमांड, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, जबकि आपको पता है कि आप अगर कोई चीज़ मांगते हो, अच्छा, वो बहुत आसानी से विलिंगली और एकदम अच्छे फीलिंग के साथ, एकदम बिल्कुल भी इनकार किए बिना वो चीज़ आपको दे सकता है। कब? अगर आप उसको कमांड ना करो, बस आपको प्लीज़ बोल के वो चीज़ उससे मांगनी है, और वो व्यक्ति जो भी रहेगा, द पर्सन, बट विदाउट एनी रिजेंटमेंट, मतलब बिना किसी इनकार के वो चीज़ वो व्यक्ति आपको दे सकता है। मतलब बच्चों लोग कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत आसान बना सकते हैं। अभी वो लिफ्ट में जो बंदा गया था बच्चों लोग, प्लीज़ बोलता था, शायद हो सकता था कि लाइक वो लिफ्ट मैन उसको बहुत अच्छे से सर्विस देता था, और इन फैक्ट वो लिफ्ट मैन जो बाकी लोग जो उसके कांटेक्ट में आएंगे उनके साथ में बहुत अच्छे बिहेव करता था बच्चों लोग। सपोज एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, मेरे को अभी भी याद आ रहा है, एक लेसन सीखा था हम लोगों ने, जहाँ पे एक टैक्सी वाला रहता है और एक व्यक्ति उसमें बैठता है टैक्सी में, फिर वो मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर का कुछ जर्नी रहता है, वो कंप्लीट करने के बाद में व्हेन दैट पैसेंजर गेट्स डाउन, वो पैसेंजर टैक्सी वाले को क्या बोलता है कि यू आर अ वेरी नाइस टैक्सी ड्राइवर, आपने बहुत अच्छा काम किया, और जिस तरीके से आपने ट्रैफिक जाम में एकदम कूल एंड काम पेशेंटली खुद को मेंटेन किया था, आई रियली लव द वे यू डू योर जॉब। वो जो टैक्सी ड्राइवर रहता है ना बच्चों, वो बोलता है कि हाँ, आर यू पुटिंग मी ऑन, मतलब आप मेरे को ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो क्या? तो बोले कि नहीं सर, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर। बच्चों अभी आप बताओ, यहाँ पे वो टैक्सी ड्राइवर अपने पूरे दिन भर के लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगा, आपको नहीं लगता वो भी उन लोगों के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करेगा? और ये जो गुडविल रहता है ना बच्चों, गुडविल इट कीप्स ऑन स्प्रेडिंग, दैट्स ओनली लेसन और दैट्स ओनली मॉरल चिल्ड्रन दैट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। जो छोटा सा एनेक्डोट दिया था आपको लिफ्ट मैन का, उससे आप लोगों को ये बहुत बड़ा लेसन मिलता है बच्चों लाइफ का। बच्चों लिफ्ट मैन के साथ साथ
और एक व्यक्ति बच्चों जो हमारे लाइफ में आते रहता है वो होता है बच्चों एक बस का कंडक्टर। अभी कंडक्टर बोलते ही अपने यहाँ पे मुंबई में फिर इंडिया में हम लोग के सामने है ना बच्चों कुछ फेसेस आते हैं, अ मैन जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लेकिन उसके पास पैसे का एक बैग रहता है। पुराने टाइम्स में लाइक दिस हैव दिस पंचिंग टिकट्स, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों लोग ये व्यक्ति देखने के बाद में कुछ लोगों का ना इनके साथ में रहता है बच्चों लोग बहुत ही हॉरिफाइड एक्सपीरियंस, और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ही बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होता है बच्चों लोग। तो अभी ये स्टोरी का अगला हिस्सा जो रहेगा बच्चों लोग जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा के फिर बाद में हम लोग उसको पूरा समराइज करेंगे, तो अपना अगला सेक्शन का डिस्कशन रहेगा बच्चों लोग बस कंडक्टर के साथ। आपने भी बच्चों लोग कभी ना कभी इनको फेस किया हुआ रहता है, और कुछ कंडक्टर्स तो ऐसे होते हैं बच्चों लोग जिनका काम ही रहता है बच्चों लोग आपको ऊंचे आवाज़ में बात करने का। बस में बैठे हुए हर एक पैसेंजर को लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं बच्चों लोग, उनको लगता है कि जितने भी पैसेंजर्स बैठे ना ये सब के सब मेरे को चीट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, और ऊंची आवाज़ में बात करना तो वो अपना हक समझता है। और इमेजिन करना ऐसे में कभी अगर गलती से भी आप बस में बैठ गए और आपको बाद में पता चला बच्चों लोग कि आप पैसा भूल के अपना बटुआ घर पे मतलब यू हैव फॉरगॉटन योर वैलेट चुकी मतलब पर्स नहीं आपके पास, फिर जो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होगा बच्चों लोग और आपके बिहेवियर को देख के कंडक्टर आपके साथ किस तरीके से बिहेव करने वाला है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और इस स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों लोग लेकिन अगले लेक्चर में। सो चिल्ड्रन होप सो यू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स हियर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड यहाँ पे मीनिंग, जब भी हमारे पास बच्चों लोग टेक्स्ट बुक के हार्ड कॉपीज आएंगे तो हम लोग हर एक वर्ड को हाईलाइट करके उसके मीनिंग्स वगैरह नोट करके ले सकते हैं। फिर जो भी अपना आइस ब्रेकर्स का सेक्शन रहेगा और एक्सरसाइज रहेंगे बच्चों लोग वो भी हम लोग सॉल्व करके लेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा टच में रहना है इंग्लिश के साथ क्योंकि बच्चों लोग अपना टारगेट है फरवरी 2021 जब आप लोग अपनी अग्नि परीक्षा देने वाले हो जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम। कोरोना वायरस नो वायरस, आपको एग्ज़ाम तो देने का ही है तो हम लोग उसके लिए अभी से थोड़ा प्रिपरेशन करें क्योंकि ये जो लॉकडाउन का टाइम है बच्चों हम लोग इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा यूटिलाइज करते रहेंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ करके। ठीक है, सो विल बी बैक विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी चिल्ड्रन, मिलेंगे ब्रेक के बाद। टिल देन थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।